नमस्कार दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर एक अपडेट है जो कि आप यहां पर देख सकते हो। खाद्य सुरक्षा की निर्धारित फीस 50 रुपये, इससे ज़्यादा अगर कोई वसूल कर रहा है ई मित्र संचालक, तो आप उसके खिलाफ है जो कार्रवाई कर सकते हैं। ये दोस्तों खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है कि क्या 10 लाख के अलावा जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी, इसके लिए दोस्तों राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो अभी तक क्या कुछ अपडेट है वो इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि 15 दिन के लिए पोर्टल को दोबारा से ओपन किया गया है, तो अभी आप लोग हैं जो आवेदन कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों जो भी ई मित्र संचालक बेवजह नागरिकों को अगर परेशान करेंगे और निर्धारित शुल्क 50 रुपये से ज़्यादा वसूली करेगा, तो उसके खिलाफ है जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट किया है कि 50 रुपये आपका जो खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म है उसका चार्ज है, इससे ज़्यादा अगर कोई वसूली कर रहा है तो आप बिल्कुल है जो उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट योजना के अनुसार 10 लाख नए नाम जोड़ने का राज्य सरकार ने तय किया है, और इसी के तहत लोग NFSA खोलकर खाद्य सुरक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मंत्री साहब ने स्पष्ट किया है कि आप लोग अपने फॉर्म को एकत्रित करके किसी भी व्यक्ति को नहीं दें, आप अपने फॉर्म को सीधा ई मित्र पर है जो ऑनलाइन अप्लाई कराएं। अन्यथा दोस्तों अगर आप किसी अन्यत्र व्यक्ति को अपना फॉर्म देते हैं और वो आपसे ये वादा करते हैं कि बिल्कुल आप कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर भी आपका फॉर्म वहाँ पर है जो अप्लाई कर पाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप सीधा ई मित्र के माध्यम से ही फॉर्म अपना है जो अप्लाई कराएं। और यदि किसी को मान लो किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, तो आप दोस्तों 181 राजस्थान संपर्क पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों नंबर दे रखा है 1800180 6127 पर आप है जो कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मंत्री साहब ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय दोस्तों ये लागू किया गया था, और हम लगातार उसके बाद से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जनगणना के अनुसार राजस्थान का कोटा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार आज की जनगणना के अनुसार है जो कोटा नहीं बढ़ा रही है, इसलिए राजस्थान के लोगों को है जो यहाँ पर परेशानी हो रही है, यानी कि जो संख्या है वो कम हो रही है। तो खाचरियावास ने यहाँ पर प्रधानमंत्री से मांग की है कि आज की जनगणना के अनुसार खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून के तहत राजस्थान में गेहूँ की जो मात्रा है वो बढ़ाई जाए। दोस्तों सरकार लगातार जो संख्या है, कोटा है, लिमिट है NFSA की, वो बढ़ाने की मांग कर रही है। तो बिल्कुल अगर यहाँ पर केंद्र सरकार मांग मान लेती है, तो एक बार फिर से यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा है वो संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, और पोर्टल दोबारा से है जो ओपन किया जा सकता है संख्या बढ़ाने पर। तो अभी दोस्तों आप है जो पोर्टल ओपन है, बिल्कुल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और ई मित्र पर आपसे अगर 50 रुपये से ज़्यादा वसूली की जा रही है, तो आप दोस्तों राजस्थान संपर्क पर है जो एक शिकायत डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको 50 रुपये सिर्फ ऑनलाइन फीस है, वहाँ पर अगर आप कोई अन्य काम करवाते हैं, जैसे आप फोटोकॉपी करवाते हैं, अपना जो भी फ़ोटो वगैरह लगाते हैं वहाँ पर ई मित्र वाला, अन्यत्र कोई भी काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। आपका सिर्फ ऑनलाइन यानी कि ई मित्र पर फॉर्म ऑनलाइन करने की फ़ीस है वो 50 रुपये। तो आप पहले कन्फर्म करने के बाद ही है जो स्पष्ट करें कि क्या वास्तव में ज़्यादा वसूली की गई है या नहीं की गई है, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों आप है जो अभी भी आपके पास समय है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी नई अपडेट आएगी तब आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।